हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का सेकेंड वीडियो है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग को सोशलिज्म इन रसिया से पढ़ना था। इसके पहले कब हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। तो अब है कि ऑल पोलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914। 1914 के पहले जितने भी पोलिटिकल पार्टी रसिया में थे वो इलीगल घोषित किए गए थे। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898। एक पार्टी यहाँ पर बनाया गया था 1898 में, 1898 में, ठीक है। 1898 में एक पार्टी बनाया गया था जिसका नाम था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बाय सोशलिस्ट टू रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया, जो कार्ल मार्क्स के आइडिया को यहाँ पे मानते थे, ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया था। हावर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैज ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता था। इट सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक। तो स्ट्राइक करवाने के लिए, वर्कर्स को यहाँ पे मोबिलाइज कराने के लिए, वर्कर्स को यहाँ पे मतलब भड़काने के लिए बोल सकते हैं, एक न्यूज़पेपर इसके द्वारा सेटअप किया गया था। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ड एट रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट, सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी मेन फोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन। क्या कह रहा है कि कुछ रशियन सोशलिस्ट थे, उनको ऐसा लगता था कि रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली, तो रशियन का जो पीजेंट मतलब वहाँ के जो किसान है वो अपना जमीन को पीरियडिकली बांटते रहते हैं, इसके कारण से वो सोशलिस्ट बन गए हैं। इसलिए पीजेंट्स न कि वर्कर्स जो है रिवोल्यूशन का मेन फोर्स होंगे, एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली अदर देन कंट्रीज। क्या कह रहा है, तो कुछ सोशलिस्ट लोगों को लगा कि वर्कर्स के मुकाबले यदि हम लोग पीजेंट्स को भड़काएं, ठीक है, तो हम लोग जल्दी सोशलिस्ट बन सकते हैं, बाकी दूसरे कंट्री से जल्दी बन सकते हैं। सोशलिस्ट वेर एक्टिव इन कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी के समय से ही सोशलिस्ट जो है पूरे कंट्री में एक्टिव थे। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स। ये पार्टी जो थी स्ट्रगल करती थी पीजेंट्स के लिए, पीजेंट्स के राइट के लिए, और डिमांड करते थे कि जो लैंड जो नोबल्स को बिलोंग करते हैं वो जो है पीजेंट्स को ट्रांसफर किए जाएँ। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पीजेंट्स, जो सोशल डेमोक्रेट्स थे डिसएग्री करते थे इस तरीके के रिवोल्यूशनरी आइडिया से। लेनिन फेल्डेड पीजेंट्स वे आर नॉट ऑफ यूनाइटेड वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन को ऐसा लगा कि पीजेंट जो यानी किसान जो हैं कोई एक ग्रुप के नहीं हैं। सम वेयर पुअर एंड अदर रिच, कुछ लोग इसमें गरीब हैं कुछ अमीर हैं। सम वर्कर लेबरर्स, कुछ लोग हैं जो लेबरर के रूप में काम करते हैं, कुछ लोग कैपिटलिस्ट हैं यानी कि वो अपने फार्म में कई लोगों के एम्प्लॉयमेंट देते हैं। गिवन दिस डिफ्रेंसिएशन विद इन देम दे कुड नॉट बी ऑल पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट। तो लेनिन को ऐसा लगा कि ये लोग सोशलिस्ट मूवमेंट नहीं चला सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को लगता था कि वर्कर्स नहीं चला सकते, पीजेंट्स ही चला सकते हैं। द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजी के आधार पर पार्टी डिवाइड हो गया। व्लादिमीर लेनिन हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप, तो लेनिन जो था बोल्शेविक ग्रुप का नेता था, याद रखिएगा। दो इट वॉज इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक जारिस्ट रसिया, द पार्टी शुड बी अनडिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ मेंबर्स। अदर मेंसेविक जो थे, दो दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। क्या कह रहा है कि जैसे जो बोल्शेविक थे इनका ऐसा विचार था कि पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी के रूप में होना चाहिए, और इसमें जो है जो मेंबर हैं उनके क्वालिटी और क्वांटिटी, उनके नंबर कितने मेंबर होने चाहिए, क्या क्वालिटी होने चाहिए मेंबर की, इन सब बातों के यहाँ पे मतलब के ध्यान रखा जाना चाहिए। बल्कि मेंसेविक लोग थे ये, जो इनके ऊपर ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग सोचते थे कि जितने भी पार्टी में मेंबर जुड़ सकते हैं जुड़ते रहें, यहाँ तक कि जर्मनी के भी जुड़ते रहें, है ना। अ टर्बुलेंट टाइम इन 1905 रिवोल्यूशन, तो एक टर्बुलेंट टाइम आया, है ना, कि उठा पटल वाला टाइम आया 1905 के समय में। रसिया वाज एन ऑटोक्रेसी, रसिया एक ऑटोक्रेसी था। अनलाइक यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, द जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। क्या कह रहा है कि यहाँ जो राजा था अभी भी पार्लियामेंट से रिलेटेड नहीं था, मतलब पार्लियामेंट के ऊपर जिम्मेवारी इसका कुछ नहीं था, अपने मन से सब कुछ करता था। लिबरल्स इन रसिया कैंपेन टू एंड ऑफ दिस अफेयर्स, तो इसको कम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए जो लिबरल्स लोग थे रसिया में, ठीक है, कैंपेन करना स्टार्ट किए, इस मतलब इसके लिए जो लोगों को समझाना स्टार्ट किए। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवोल्यूशनरी दे वर्क विद द पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है कि सोशल डेमोक्रेट्स के साथ, सोशल रिवोल्यूशनरीज के साथ, दे वर्क विद पीजेंट, ये लोग पीजेंट के साथ काम करते थे, एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के डिमांड के लिए पीजेंट के साथ काम करते थे, वर्कर्स के साथ काम करते थे। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट। क्या करें कि एम्पायर में पूरे साम्राज्य में जो इनको नेशनलिस्ट का सपोर्ट मतलब की था, ठीक है, एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बाय जादीदिश, तो क्या करें, और मुस्लिम एरिया में जो जिहादी लोग थे उनका सपोर्ट था। हु वांटेड मॉडर्नाइज इन इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी, जो मॉडर्न इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे अपने सोसाइटी के लिए, ठीक है, जादीदिश इसको पढ़ सकते हैं। द ईयर 1904 वाज अ पार्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर, रशियन वर्कर के 1904 काफ़ी एक पार्टिकुलरली बैड ईयर रहा। प्राइसेज ऑफ एसेंशियल गुड रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। क्या कर रहा है कि सामान का दाम इतना तेज़ी से बढ़ गया कि जो उसका मजदूरी था अचानक से 20% घट गया। मान लीजिए कि पहले जो है 5 kg चावल खरीद सकता था अपने मजदूरी में, तब वो 4 kg ही खरीद सकता था। यानी कमोडिटी से रिलेट किया जाए, सामान से इसको कंपेयर किया जाए, तो उसका जो मजदूरी था 20% घट गया था, मजदूरी नहीं घटा था,
है ना, महंगाई इतना बढ़ गया था कि उसको पैसा कम लगने लगा था। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, तो इसके कारण से वर्कर एसोसिएशन जो बनाया गया था उसका मेंबरशिप अचानक से बढ़ गया, कई लोग उसके मेंबर बनने लगे। वेन फोर मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स विच हैज बीन फॉर्म्ड इन 1904 वेर डिसमिस्ड एट द पुटिलोफ आयरन वर्क्स, दे वर कॉल्ड इंडस्ट्रियल एक्शन। क्या करें कि जैसे चार मेंबर जो थे एक असेंबली के, एक वर्कर असेंबली के चार मेंबर को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया, उनको डिसमिस कर दिया गया एक आयरन कंपनी से, तो इसके कारण जो है कि इंडस्ट्रियल एक्शन हुआ। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। इसके कारण जो है 110,000 वर्कर्स जो सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पर चल गए, डिमांडिंग ए रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स। क्या करें तो इनका डिमांड क्या था, तो वर्किंग आवर को कम किया जाए, 8 घंटा किया जाए, इंक्रीज इन वेजेज मजदूरी को बढ़ाया जाए, एंड इंप्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन को सुधारा जाए। वेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाई फादर गैपन के नेतृत्व में एक प्रोसेशन जा रहा था, एक प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे लोग, रिच द विंटर पैलेस पर जब पहुंचे, इट वॉज अटैक्ट बाई द पुलिस के द्वारा अटैक किया गया इनको। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 बुंडे, लगभग 100 वर्कर यहाँ पे मारे गए, 300 लोग लगभग घायल हुए वर्कर्स। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, तो इस संडे को ब्लडी संडे के रूप में जाना जाता है। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट, जो कई इवेंट को स्टार्ट किया यहाँ से, जैसे वहाँ पे था ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बेस्टाइल का जल टूटते ही कई चीज़ स्टार्ट हुआ है ना, एक तरह से एक सीरीज यहाँ से स्टार्ट हुआ कई इवेंट का, जिसको 1905 रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। स्ट्राइक टू ऑल्सो टू प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन विद द स्टूडेंट बॉडीज स्टेज वॉकआउट। कह रहे स्ट्राइक पूरे कंट्री में होने लगा, यूनिवर्सिटी बंद किया जाने लगा, स्टूडेंट यहाँ पे वॉकआउट करने लगे, कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। स्टूडेंट का कहना था कि यहाँ पे सिविल लिबर्टीज नहीं है, लोगों में लिबर्टी नहीं है, इस कारण से वो वॉकआउट कर रहे हैं। लॉयर डॉक्टर्स इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर एस्टेब्लिश्ड द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। लॉयर वर्कर इंजीनियर इस लोग थे, ये सब जो है कि एस्टेब्लिश किए, यूनियन ऑफ यूनियन एस्टेब्लिश किए और एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड करने लगे। ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टिव कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूम। क्या कहें 1905 के रेवोल्यूशन के समय जार यानी वहाँ के राजा को जार कहा जाता था, जार अलाउ किया फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टिव कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट को बनाने के लिए यहाँ पे अलाउ किया, जिसको डूमा कहा गया। फॉर अ ब्रीफ व्हाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन देर एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटी मेड ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। क्या कह रहे हैं कि रिवोल्यूशन के समय कई यहाँ पे ट्रेड यूनियन था, कई फैक्ट्री वर्कर्स का कमिटी था। आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटी एंड यूनियन वर्क अनऑफिशियल, 1905 के बाद ठीक है कई कमेटी और यूनियन जो थे अनऑफिशियली वर्क करते थे, सिंस दे आर डिक्लेयर इलीगल, क्योंकि उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। सेवियर रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। द जार डिसमिस द फर्स्ट डुमा विद इन 75 डेज, डुमा तो क्रिएट हुआ यहाँ पे लेकिन 75 दिन के अंदर ही जार उसको डिसमिस कर दिया, एंड रिलेक्टेड सेकंड डुमा विद इन 3 मंथ, तो 3 महीने के अंदर दूसरा डुमा वहाँ पे बनाया गया, ठीक है मतलब दूसरा पार्लियामेंट वहाँ पे बनाया गया। ही डिडंट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ दिस अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। क्या करे कि अपने पावर में कोई कमी वो नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कि कोई हमारे ऊपर क्वेश्चन करे, कोई क्वेश्चनिंग अथॉरिटी हमारे ऊपर वो नहीं चाहता था इस तरीके का। ही चेंज द वोटिंग लॉ, ये वोटिंग लॉ को चेंज किया एंड पैक द थर्ड डुमा और तीसरा डुमा बनाया विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, ठीक है, और जिसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस है, कंजर्वेटिव वो लोग थे जो राजा को सपोर्ट करते थे, लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, जो लिबरल्स थे रिवोल्यूशनरी थे उनको बाहर रखा गया डुमा से। अब नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में रशियन एम्पायर क्या किया, इन 1914 वार ब्रोक बिटवीन द टू यूरोपियन अलायंस। क्या कर दो यूरोपियन अलायंस के बीच में, जर्मनी टर्की एंड ऑस्ट्रिया एक सेंट्रल पावर थे, जर्मनी ऑस्ट्रिया और टर्की सेंट्रल पावर थे, और फ्रांस ब्रिटेन और रशिया ये तीनों, बाद में इटली रोमानिया ये सब भी आया, तो ये सब जो है अलायंस पावर थे, मतलब कि दूसरे जो राष्ट्र थे अलग वाले। ईच कंट्री हैज अ ग्लोबल एम्पायर एंड द वार वाज फाउट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप, तो क्या करें कि हर कंट्री के पास एक एम्पायर था और लड़ाई था यूरोप में लड़ा जा रहा था, यूरोप के बाहर भी लड़ा जा रहा था, इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा गया। इन रशिया देर वॉज इनिशियली पॉपुलर पीपल रैलीज अराउंड द जार निकोलस सेकंड, रशिया में जो है शुरू में देखा जाए तो पॉपुलर पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस सेकंड। एज द वार कंटिन्यूड थ्रू द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन डुमा, क्या करें कि जिस तरह से लड़ाई चल रहा था कंटिन्यू था, जार जो है डुमा से कंसल्ट करने के लिए मना कर दे कि हम डुमा से कंसल्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट वर थिन, क्या करें सपोर्ट काफ़ी कम था। एंटी जर्मन सेंटीमेंट रैन हाई, एंटी जर्मन सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ। कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नेम एज अ पेट्रोग्राड, तो जैसे आप देख सकते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम है, था रशियन सिटी लेकिन नाम थोड़ा सा जर्मनी से मिलता जुलता था, ठीक है जर्मन सिटी से मिलता जुलता था, इसलिए इसका नाम बदल कर पेट्रोग्राड कर दिया गया था, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग और पेट्रोग्राड एक ही जगह का नाम था। तो रशिया में एंटी जर्मन सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई था। द जारियंस अलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर्स स्पेली मोंग कॉल्ड रास्पुतिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, क्या करें कि राजा का जो है अलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन का था, ठीक है द जारियन अलेक्जेंड्रा और जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर्स
स्पेशली मंगोल रास्पुतिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। जो ईस्टर्न फ्रंट मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा जा रहा था उसका जो ईस्टर्न फ्रंट था यानी रशिया तरफ वाला जो फ्रंट था वेस्टर्न फ्रंट से काफ़ी डिफरेंट था। इन द वेस्ट आर्मीज फाउट फ्रॉम ट्रेंचेज स्ट्रेच अलॉन्ग द ईस्टर्न फ्रांस। क्या कर रहा वेस्ट में क्या होता था कि पहले गड्ढा खोद दिया जाता था, गड्ढा में जा करके अंदर आदमी मतलब आर्मी जो लोग थे गड्ढे में खड़े रहते थे वहाँ से लड़ाई करते थे। इन द ईस्ट आर्मी मूव्ड अ गुड डील एंड फाउट बैटल लिविंग लार्ज क्वालिटी कैजुअलिटीज डिफीट्स वेर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। क्या करें कि लेकिन ईस्ट में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, आर्मी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ा और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी भी हुआ, डिफीट जो हुआ मतलब हारा गया यहाँ पे, डिफीट वेर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन द जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। तो क्या करें रशिया का जो आर्मी था जर्मनी और ऑस्ट्रिया में काफ़ी बुरी तरीके से हारा 1914-17-16 में। देयर वेर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटी बाय 1917 तक आते आते 7 मिलियन लगभग कैजुअलिटी हो चुका था। एज द रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बींग एबल टू लीव ऑफ द लैंड। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लेड ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजी इन रशिया। क्या कह रहा है कि रशिया में ही जब आर्मी यहाँ से लौट रही थी, ठीक है, तो एज द रिट्रीटेड जब वो लोग द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप एंड बिल्डिंग, तो रशियन आर्मी जो थे क्रॉप और बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे थे टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम, तो ताकि एनिमी से वो प्रिवेंट हो सके फ्रॉम बींग एबल टू लीव ऑफ द लैंड। तो जैसे क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने का मेन मकसद ये था कि यदि मान लीजिए कि बाहर कोई दूसरे देश का आर्मी यदि चढ़ाई करता है तो यहाँ पे जो फसल है उसको काट के उन लोग खा ना ले, है ना, मतलब उन लोग अपना राशन लाना पड़ेगा, अपना राशन लाने में उन लोग को प्रॉब्लम होगा, इस कारण से कम आर्मी आएगा, ठीक है। और यदि देखेगा कि यहाँ पे खेत में फसल खड़ा है तो उन लोग क्या आएगा ज़्यादा संख्या में आएगा और यहीं के खेत से गेहूँ वगैरह काट करके जो भी फसल तो उसको खा करके लोग जिंदा रहने लगेगा जो दूसरे कंट्री का आर्मी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर फसल को डैमेज कर दिया गया। इस डिस्ट्रक्शन से क्या हुआ काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूजी रशिया में क्रिएट हो गए। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। क्या करें सिचुएशन जो है उसका जिम्मेवारी लेना पड़ा जार को, मतलब लोग जार को ब्लेम करने लगे, गवर्नमेंट को ब्लेम करने। सोल्जर डिडंट वांट टू फाइट सच ए वार। क्या करें कि सोल्जर ऐसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। द वार ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। जो लड़ाई हुआ युद्ध का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्री पर भी। रशियाज ओन इंडस्ट्री वेयर फ्यू इन नंबर्स एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। क्या कह रहा है कि जर्मनी का उसमें बाल्टिक सी पे कंट्रोल था, इसके कारण से दूसरे देश से सप्लाई नहीं आ रहा था, रशिया का अपना इंडस्ट्री भी काफ़ी कम संख्या में था। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर। तो यूरोप में बाकी जगह के मुकाबले रशिया में काफ़ी जल्दी जो है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेट हुआ। माइन 1916 रेलवे लाइन्स बिगन टू ब्रेक डाउन। 1916 तक आते आते रेलवे लाइन यहाँ पे टूटने लगा, रेलवे लाइन जो था ब्रेक होने लगा। एबल बॉडीड मैन वेयर कॉल्ड फॉर ऑफ द वार। एज द रिजल्ट देयर वेयर लेबर शॉर्टेज एंड अ स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वेयर शट डाउन। तो जो एबल मैन थे मतलब जो लड़ाई लड़ सकते थे ऐसे लोगों को लड़ाई के लिए बुलाया गया, सैनिक में जबरदस्ती भर्ती किया गया, जिसके कारण से इधर के एरिया में यदि अंदर के एरिया में देखा जाए गाँव वगैरह वाले एरिया में लेबर का शॉर्टेज हो गया, जो छोटे मोटे वर्कशॉप थे उनको बंद करना पड़ा। लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन्स वेयर सेंट टू फेड द आर्मी। जो अनाज था उसका एक बड़ा सप्लाई आर्मी को खिलाने के लिए भेजा जाने लगा। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड्स एंड फ्लोर बिकम स्कर्स। सिटी में जो है लोगों के लिए रोटी या फिर जो भी वहाँ पे आटा वगैरह काफ़ी कम मात्रा में मिलने लगा। बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट द ब्रेड शॉप वेयर कॉमन। 1916 तक आते तो उसके ठंडी आते आते जो राइट्स होते थे दंगा होने लगे ब्रेड के शॉप पर, ऐसा आसान मतलब कि ये सब ईजी होने लगा, कहने तो कि एक आम सीन हो गया, लोग हमेशा देख सकते थे कि ब्रेड के शॉप पर लड़ाई हो रहा है, इस तरीके के देखना कॉमन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है द फरवरी रिवॉल्यूशन पेट्रोग्राड। जो सेंट पीटर्सबर्ग था उसी का नाम था पेट्रोग्राड, है ना। तो यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।